आज उम्मीद है आप लोगों ने इन्जॉय किया। पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग। ये कैसी स्टोरी है, अगर आप मैथमेटिशियन हैं तो फिर आपके दिल के काफ़ी करीब है। तो हर वो स्टोरी जो आपको अच्छी लगती है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का अच्छा लगता है या आप बाकी लोगों के साथ, तो थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग यहाँ पे आए और आई होप यू ऑल्सो इन्जॉयड। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस। आई वुड लाइक टू नो some observation remarks, some questions. You have the mic. Okay. Yeah. I don't have any questions. Okay. Just comments. Mm-hmm. It's wonderful, fascinating, and inspirational. Mm-hmm. I think all young kids, they must watch it. This is never-ending story of mathematics. Okay. So which part you like the most? I mean, the complete story or? You know, the idea that I liked the most was not the solution to the problems itself, rather discovering the new methods. Mm-hmm. Mm-hmm. So it's actually the journey of discovering new methods to find the underlying structures and numbers and shapes and patterns that matters. So it's, I would say that it's like discovery of new methods, because all the mathematicians that are that they talked about in this documentary, they all had discovered new methods of solving these problems. You're right. So the problems that we couldn't solve so far, it's just that we need to discover more methods. And what about Kardgaard, and how iska kya impact hua, particularly linguistic or baki philosophy ke upar? Yeah, the Vienna Circle or jo Kardgaard, mera bhi ek yahan pe ek session tha meaning of meaning pe, to usme maine ye Professor Whitehead aur is pe Gödel और जो बर्टन रसल का था, तो उसका ऑन कॉनोटेशन, तो कॉनोटेटिव मीनिंग पे, बल्कि डेनोटेटिव मीनिंग पे था। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये एक लिंग्विस्टिक पैराडॉक्स है, प्रॉब्लम है, जिसको उसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया। दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड सो दिस लाइक इट्स अ पैराडॉक्स। और इस तरह के आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज में तो बहुत सारे हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, बहुत सारी हैं, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग टू फाइंड अ मेथड कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लॉजिकली उसको देखा जाए। और जो इसका इनकम्प्लीट थ्योरम है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, मतलब इवन लिंग्विस्टिक्स में के मसलन ये साबित करना कि ये इनकम्प्लीट है, ये मतलब यू कांट गेट योर हेड अराउंड इट, कि जब तक आप सबको एक्चुअली सॉल्व नहीं करते हाउ कैन यू प्रूव कि ये पॉसिबल नहीं है। इसको लॉजिकली इस तरह साबित करना, मेरा ख्याल है इट वाज अ ग्रेट लीप। बाकी हम लोग, चूंकि मैं तो लिटरेचर का भी स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लिए ये इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि इट ओपन्स अप द एवेन्यू, मैथमेटिक्स को एक क्लोज्ड कंप्लीट सिस्टम नहीं। या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट अबाउट दैट। हाँ, सो कि ये एक ओपन सिस्टम इसकी वजह से बन जाता है कि फाइनाइट सेट ऑफ एक्सियम्स नहीं चाहिए हमें कि जिससे सारे ही थ्योरम प्रूव हो सकते हैं, और ऐसी ट्रू स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जो अनडिसाइडेबल होंगी। और फिर पॉल कॉन का काम बहुत इंटरेस्टिंग है आगे चल के, कि उसने एक डिफरेंट बड़ा इंटरेस्टिंग वे इंट्रोड्यूस किया, जिसकी बेस पे उसको भी फिर, तो मुझे याद है जब वो मैं उस पर वो लेक्चर पे बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बीच में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई, तुम तो मीनिंग ऑफ मीनिंग पे तुमने बात करनी। तो असल में तो मीनिंग इट कुड बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन नंबर्स
और इट कुड बी रिप्रेजेंटेड लिंग्विस्टिकली लैंग्वेजेस में. और अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद सबसे अहम बल्कि लीप यही है कि अब हम जब उसको मैथमेटिकली मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के काबिल हुए तो उसके बाद से ये चैट जीपीटी और जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये पॉसिबल तभी हुए हैं जब हम उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के काबिल हुए. अदरवाइज तो एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया था. यू आर राइट, यू कांट गेट टू इट. आगे चल के फिर एलन ट्यूरिंग ने इसको मजीद मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इसको मजीद बड़ा प्रैक्टिकल कर दिया, तो वो काम भी बड़ा अच्छा था. और फिर उस पर हमने पिछली जो डॉक्यूमेंट्री थी डेंजरस नॉलेज की, उनमें इस हवाले से बड़ी डिस्कशन हुई थी हमारी, तो वो भी मैं आई मीन आई वुड लाइक टू रिकमेंड दैट ऑल्सो कि आप वो भी देखें. क्योंकि देखें हमने इस स्टोरी में ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे नए आइडियाज़ थे जिनका बड़ा इम्पैक्ट साइंस के ऊपर तो हुआ, पर्सनली लोगों को मैथमेटिशियंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे गर्डल के ऊपर हुआ और इसी तरीके से और भी हैं इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर ग्रोथेनडीक. तो जीनियस और मैडनेस के वाले से भी फिर वो एक डिस्कशन है कि ये क्या क्या इसका क्या रिलेशन. इनफैक्ट बहुत सारे जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे ना, जीनोस पैराडॉक्स से अगर आप शुरू करें तो उनका सोल्यूशन मैथमेटिक्स के थ्रू मिला है. अगर मसलन वो ये कहता था कि जी एक तीर जब आपने छोड़ा है तो वो किसी एक मोमेंट पे वो साकत है, वो मूव नहीं कर रहा, या ये कि हरक्यूलिस जो है वो कभी भी अपने टर्टाइस के साथ जो एग्जैक्टली पहुंच सकेगा, क्योंकि तो ये इन्फिनिटी के प्रॉब्लम्स इन्फिनिटी के तो इन्फिनिटी के वाले से तो जो कैंटर का काम था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था जी. लेकिन कैलकुलस जब इजाद हो गया तो उसके बाद से अब ये है कि यू कैन वर्क इट आउट मैथमेटिकली. अगर वो उसने, कई लोग ये पूछते हैं कि जीनो को नजर नहीं आता था कि ये पहुंच जाता है वहां पे, और वो उसको नजर आता था, लेकिन एक्चुअल जो हमारी लॉजिक थी, जो दुनिया को समझने का जो हमारा तरीका है ना बेसिक, वो ये है कि हम उसका एक मॉडल बनाते हैं पहले, और वो मॉडल प्रिसाइज मॉडल मैथमेटिक्स में ही बन सकता है. मतलब मॉडल तो हम लिंग्विस्टिक मॉडल्स भी बनाते हैं और भी बनाते हैं, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से विटकेंस्टाइन ने भी इस हवाले से जी जी काफ़ी काम किया. तो बहुत ही इंट्रीगिंग है मेरे लिए, तो खैर बहुत ही दिलचस्प है. इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फोर पार्ट सीरीज है, तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आई वुड लाइक टू रिकमेंड के वो भी जरूर देखें. बस एक बात करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो डेंजर्स है ना उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. Okay. हम लोग पहले ही जो है वो डर जाते हैं मैथमेटिक्स के. हाँ, वो ठीक है, ये असाइलम और ये सारे, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये तो जीनियस थे जी. तो इन को बजाय इसके कि हम ये ट्रेस करें कि जी ये अपने जीनियस होने की वजह से जो है मैडनेस वो मैडनेस की तरफ गए, तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूफ हैं, बिल्कुल डम हैं, लेकिन वो भी मैडनेस की तरफ गए, क्योंकि हमारा जो कल्चर और सोसाइटी, वो जीनियस भी अगर उनको स्पेस मिलता तो शायद ये ना होता. इट्स बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट. अगर आपको और जिस सोसाइटी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है और फैसिलिटेटिंग नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कन्विक्शन समटाइम्स वी कैन, तो वो इट्स बाउंड टू हैपन. तो उसकी वजह मैथ्स नहीं है, उसकी वजह वो आपका जीनियस होना नहीं है, उसकी वजह वो बैरियर्स हैं जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम, आपके सोशल कल्चरल सिस्टम्स जो हैं वो आपको वो कुछ अचीव नहीं करने देते. यस, सो थैंक यू लाइक दैट. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये है कि देयर वाज अ लाइन इन दैट डॉक्यूमेंट्री कि जी मैथमेटिशियंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द रिसर्च और सारे में. तो अनलाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, विच वाज वेरी इंगेजिंग, वेयर वी कैन फील द स्टफ, द पार्टिकल्स वी आर स्टडिंग अबाउट, तो मैथमेटिक्स वाज अ वेरी ड्रीटफुल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बड़ा खुश्क मजमून समझा जाता है. जैसे राशाद ने कहा कि लोग तो मैथमेटिक्स नाम सुन के ही डर जाते हैं कि यार ये क्या, बच्चे तो रोते हैं कि यार ये हमें फंसा दिया है हमने. तो
तो नॉट यू थिंक इसको ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए एप्लीकेशन साइड ऑफ जी इसका मैथमेटिक्स यस यू आर राइट के रियल वर्ल्ड एग्जांपल हाँ अर्ली स्टेजेस पे तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जो सब्जेक्ट को ड्राइव करने वाले क्वेश्चंस है ना वो शायद बहुत सारे मैथमेटिशियन पर्टिकुलरली प्योर मैथमेटिशियंस वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन नहीं होती। एक जगह पे जिक्र भी हुआ था कि ये जितना एब्स्ट्रैक्ट होता चला जाता है उतने ही फिर वापस उसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो अब आई थिंक मेन जो ड्राइविंग फैक्टर है ना वो यही है कि नॉलेज, नॉलेज की जो क्यूरियोसिटी है जानना किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि अगर हम समटाइम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चले जाएँ वो तो बड़े एक स्मॉल डोमेन में आ जाते हैं ना फिर उसमें। तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं जो इस चीज़ से मोटिवेट नहीं होते, और इस स्टोरी में तो पर्टिकुलरली ये जो लास्ट स्टोरी थी इसमें हमने यही देखा था कि ये चीज़ इस तरीके से डेवलप हुई है। पीछे जो कुछ स्टोरीज थी जैसे अर्ली स्टेजेस पे ग्रीक्स के हवाले से भी, और फिर आई थिंक जीनियस ऑफ द ईस्ट के हवाले से भी, जो इसमें इस रीजन के जो मैथमेटिशियंस थे उनको डिस्कस किया था, किया गया है उनमें, वहाँ कुछ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलती हैं। ठीक है, तो वो एपिसोड उस हवाले से इंटरेस्टिंग हो सकती है। अल-ख्वारिज़्मी का काम उस हवाले से काफ़ी वेल नोन है। अच्छा, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि हर इन्वेंशन के पीछे थ्योरी है और हर थ्योरी के पीछे मेथड है। तो मैं मेथड्स ही की बात कर रहा था। तो बेसिकली विदाउट दैट मेथड वो थ्योरी नहीं होगी, और थ्योरी के बगैर आपकी कोई इन्वेंशन प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए नहीं बन सकेगी। ये तो, जो अप्रोच है इसे फिर हम यूटिलिटेरियन अप्रोच कहते हैं ना। समटाइम्स मैथमेटिशियन डोंट लाइक दिस। तो ये एक तरफ तो इंसेंटिव है, लेकिन दूसरी तरफ ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप एक वेल्थी सोसाइटी में जाते हैं, आप कन्वीनियंट लाइफ गुजारते हैं, तो आपके जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी क्वेस्ट कम हो जाती है। मेथड से भी पीछे क्वेस्ट है जिससे आगाज होता है सारी चीजों। तो आप इनमें से अक्सर लोगों को देखेंगे कि इन्होंने बहुत टफ लाइफ गुजारी, जेलों में रहे, यानी उनको रियल लाइफ चैलेंजेस जिनको ज़्यादा थे वो उस सोल्यूशन की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। और मैथमेटिक्स की तो ब्यूटी ये है कि उसको जितना आप एब्स्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएंगे वो उतना पावरफुल होगी। आप जितना उससे डिस्टेंस करेंगे और उसको वो फिर लिमिटेड हो जाते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आप फोकस्ड हो जाते हैं। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की एजुकेशन में भी है कि हम स्टूडेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते, और हर दफ़ा वो ये कहते हैं कि कब इसकी एप्लीकेशन सामने आएगी, बट एक्चुअली एप्लीकेशन वर नॉट द मेन मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दिस। तो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, इस तरह की स्टोरीज शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि हाउ दीज पीपल थिंक, और इनके इस काम की वजह से फिर आगे ऑफ शूट एज ए बाय प्रोडक्ट कितना इम्पैक्ट हुआ बाकी एरियाज में और बाकी साइंसेस में भी। अब देखें ना, हिल्बर्ट के 23 प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी आप उनको जाके स्टडी करें, मोस्टली प्योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब जैसे पॉइंकर एक कंजेक्चर है, वो इट्स हैज समथिंग टू डू विद द शेप ऑफ डिफरेंट स्पेसेस, और वो एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस हैं। अब उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि वट कुड बी द पॉसिबल शेप ऑफ आवर यूनिवर्स। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर केस होगा फिर उसका। बहुत एक तो ये था कि ये प्योरली मैथमेटिशियन का था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें बींग ए सिंपल इंजीनियर हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि हम अप्लाइड साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह इसमें ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर्स हैं, एनालिसिस हैं, जो उसमें मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज है। दूसरी बात में जो ये इसका इसमें ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा इस हवाले से, दूसरी बात ये जो पैराडॉक्सेस मैथमेटिक्स में भी जिस तरह बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं तो मैथमेटिक्स में भी प्रिवेल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये चलते भी रहेंगे। उस हवाले से जो मेरा एक था कि क्या ये देखिए, ये एक मिसाल के तौर पर जिस तरह लैंग्वेज का है, जिस तरह हमारा गोल के जहन में फौरन हमारे यहाँ गोल, या फिर आप कह लें कि सर्कल जहन में आते ही सर्कुलर, लेकिन इसकी एक इक्वेशन भी है। वो इक्वेशन हम तकरीबन सदियों से पढ़ रहे हैं, वो इक्वेशन हमारी लैंग्वेज में नहीं आ रही। इस तरह वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को हम अभी तक अपने लैंग्वेज में, जो कॉमन लैंग्वेज में अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए।
अभी हमें स्ट्रेट लाइन बोलना पड़ता है, सीधा रास्ता बोलना पड़ता है, y = mx + c = 2, कभी भी हमें अभी लैंग्वेज में अभी हमारी आई नहीं है. तो इस वजह से भी ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है बजाते खुद, चूंकि लैंग्वेज है, अगर आप इसको आप कुछ भी कह लें, ये बजाते खुद मुख्तलिफ फिनोमिना का, मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ स्टेटिक या डायनेमिक जो भी कंडीशंस हैं नेचर के, उसको हमने उसका फोटोग्राफ लेते हैं या फिर उसका हम मूविंग जो एनालिसिस करते हैं उसका सारा कुछ करते हैं. मेथड पे तो बात हो गई है उस पर. तो ये लैंग्वेज हमें, और ये हमेशा स्पेस, मुझे लगता है कि जितनी मैथमेटिक्स यानी डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, उतनी ही हमारा जो कॉमन के साथ ना, कॉमन लैंग्वेज के साथ उसका स्पेस, मुझे लगता है, मुझे आई एम नॉट श्योर, आप मैथमेटिशियन आप ज़्यादा समझते हैं, वो बढ़ते जा रहा है. और उसको शायद अब इसमें मैथमेटिशियन का है कमाल है या कसूर है या नहीं. यहाँ पे सवाल तो लैंग्वेज के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, गैलीलियो का भी अक्सर उसका रेफरेंस होता है कि मैथमेटिक्स, उसने मशहूर ये कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ दी लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, ये एक बहस, एक और एक सेपरेट बहस है मैथमेटिक्स के अंदर, ये चलती है पीछे जाते जाते प्लेटो तक पहुंच जाती है. ठीक है, फिर क्या मैथमेटिक्स इन्वेंट करते हैं हम या डिस्कवर करते हैं? ठीक है ना, आई मीन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अगर मैं आपसे इस हवाले से पूछूं कि आपका क्या हाल है, हम मैथमेटिक्स इन्वेंट करते हैं या डिस्कवर करते हैं? अभी जो आपने कुछ बातें की ऐसे लग रहा है कि आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स हम इन्वेंट करते हैं. Do you think like that? नहीं, discover करते हैं. That's great. Okay. So अगर आप इस, if you think like that, and if you believe in this hypothesis, let's suppose, तो then you are platonist, ठीक है? तो जो ये इस पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो ही platonic forms वाली बात है कि ये ideas जो हैं, जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ये already कहीं exist करते हैं. ठीक है, जो सर्कल हमने इधर ड्रॉ किया हुआ है ये परफेक्ट सर्कल नहीं है. ठीक है, ये उसकी अप्रॉक्सीमेशन है, और ये है भी नहीं परफेक्ट सर्कल किसी भी हवाले से. तो लाइन का भी यही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स का भी यही कॉन्सेप्ट है. तो ये जो डिस्कशन है, इस पे तो मेरे ख्याल में एक और सेशन पर्टिकुलरली इनके साथ हो सकता है कि डज मैथ रिवील रियलिटी. सो ये एक फ्यूचर नेक्स्ट इस पे सेशन हो सकता है, और बल्कि इस हवाले से एक वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के ऊपर एक अच्छी डिस्कशन भी है, वीडियो भी है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं. अच्छा, मैं वैसे समझता हूँ कि ये इन्वेंट है, क्योंकि इन्वेंशन में तो ये है कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट द न्यू वर्ल्ड. ओके, इट्स नॉट जस्ट डिस्कवरिंग. इस पे हम फिर कभी तफसील से बात करें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है ज़्यादा तफसील. अच्छा, मैं जो बात करना चाहूँगा, देखें, अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैथ्स पढ़ने के लिए आपके पास मैथ्स ब्रेन का होना ज़रूरी है. जितनी भी मैंने पेरेंट टीचर्स मीटिंग अटेंड की है, उसमें पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि हम तो मैथ्स के बंदे ही नहीं हैं, तो हमारा बच्चा भी नहीं मैथ्स सीख सकता. तो फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, फॉर स्टडिंग साइंस, फॉर स्टडिंग लिटरेचर, यू डोंट रिक्वायर लिटरेचर और हिस्ट्री ब्रेन, बट फॉर स्टडिंग मैथ्स, तो यू ऑलवेज हैव दिस मिथ. That's fueled by the large segment in the society. You're parents right. believe it, teachers believe it, students believe it. And I was reading last week a research article by Carol Dweck. She was American psychologist. And she proved that in her hypothesis that it is a completely myth, and brain science has completely disproven this idea. And but I think many of our people in the society, they have this feeling that when you study mathematics, you got to have this mathematics brain, otherwise you can't really study it. So what are your thoughts on that? This is my first question. Okay. And इस पे तो यही है कि मैं वो जो रिसर्च आपने रेफर कर रहे हैं जिसका, I also agree with that. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि by birth कोई mathematician होता है. ठीक है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं अर्ली स्टेजेस पे मुझे मैथमेटिक्स नहीं पसंद था, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, और एक ख़ास स्टेज के बाद मुझे इसमें दिलचस्पी पैदा हुई. तो ये हाइपोथेसिस है कि जब वी आर नॉट लाइक मैथ पर्सन,
आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड वे. ओके, और दूसरी आप लोगों की डिबेट हो रही थी कि मैथ हम इन्वेंट करते हैं या डिस्कवर करते हैं, तो मुझसे भी किसी ने बहुत दफ़ा पूछा, क्योंकि अभी तो मैंने ये मैथ्स का प्रोफेशन जो है वो टीचिंग अडॉप्ट कर ली है, तो अक्सर ये सवाल होता है कि सर ये मैथ्स इन्वेंट करते हैं हम या डिस्कवर करते हैं, तो मेरा यही जवाब होता है कि इस पर तो लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. आई एम नॉट हेयर टू गिव एन ओपन स्टेटमेंट, इट्स फॉर यू टू गो रिसर्च एंड थिंक व्हाट्स द बेस्ट. और बुक्स बहुत सारी हैं इस पर, हम एक स्टेटमेंट से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत लंबी बहस है. यू आर राइट. हाँ, तो इस स्टोरी के हवाले से मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पुरानी डिस्कशन थी प्लेटो से और फिर ये हिल्बर्ट पे आ गए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी हिल्बर्ट की वजह से. हिल्बर्ट फॉर्मुलेस्ट था, ठीक है ना, तो और गर्डल जो था वो प्लेटोनिस्ट था, और गर्डल छुपाता था अपने आपको, क्योंकि उस टाइम पे जब गर्डल था ना, उन दिनों प्लेटोनिज्म को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का एक 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 वियना सर्कल की वजह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है. तो फिर वो प्लेटोनिज्म को ना थोड़ा सा काइंड ऑफ अच्छा नहीं समझते थे, तो गर्डल काफ़ी अरसा ये छुपाता रहा कि मैं प्लेटोनिस्ट हूँ, और बड़े अरसे बाद उसने रिवील किया कि मैं प्लेटोनिस्ट हूँ, ठीक है, हालांकि वो वियना सर्कल के अंदर था. और वो हिल्बर्ट के मैं उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू में नहीं था हिल्बर्ट के हवाले से, वो भी वैसा ही सोचा था या उसी स्कूल ऑफ थॉट से ही था कि हम एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन बना लेंगे मैथमेटिक्स की, जिसमें इवन इस तरह के जो पैराडॉक्सेस हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे. लेकिन सम हाउ इंटरेस्टिंगली ऐसा प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर लिया या काइंड ऑफ प्रूफ कर लिया, जिससे उसको लगा कि ये तो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर, उसकी फाउंडेशन के अंदर. वो जो हमारा सो कॉल्ड ड्रीम है ना कि हम सारे कंप्लीट, एक कंप्लीट मैथमेटिकल सिस्टम, कंसिस्टेंट भी हो, कंप्लीट भी हो, डिसाइडेबल भी हो, वो बना लेंगे, वो गर्डल ने ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है. और उसकी वजह से थोड़ा सा पेसिमिज्म भी आया मैथमेटिक्स उस वक्त, ठीक है. गर्डल को इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जैसे कि कैंटर को इन्फिनिटी के बहुत सारे आइडियाज़ की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, कि ये कौन सा मैथमेटिक्स बीच में ले आए हो, ठीक है, ये के इन्फिनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि ये बड़ी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स थी उसकी, और कि इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटीज़ भी होती हैं, ठीक है. सो दिस वॉज़ ए वेरी शॉकिंग आइडिया. हम पहले इन्फिनिटी हमें नहीं समझ आती, अब आप कह रहे हैं इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटीज़ भी होती हैं, और इन्फिनिटी का पूरा एक हायरार्की है, ठीक है ना, मतलब देर इज़ एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ इन्फिनिटीज, ठीक है. तो जिस प्रॉब्लम, ये तो उसने प्रूव कर लिया, ये तो बड़ा सिंपल उसका प्रूफ था. वो तो यही होता है कि आप किसी भी आपके पास कोई भी सेट हो ना एक्स, उसका आप ऑर्डर लें, तो वो बेसिकली उसके पावर सेट के ऑर्डर से हमेशा लेस होता है, ठीक है. ये तो कैंटर्स आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है, कोई भी सेट ले लें, हाँ वो फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि उसका सेट और उसके पावर सेट, उसकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी, ठीक है. तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि पूरा एक इन्फिनिट सीक्वेंस बन जाता है इन्फिनिटीज़ का. तो उस वक्त जो वेल इस्टेब्लिश मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था. पॉनकरे का हमने नाम सुना है इसमें हवाले से, क्या पॉनकरे ने भी उसके ऊपर अटैक किया था, वो पर्सनली प्रोफेशनली भी. तो उसने कहा था कि ये जो सेट थ्योरी, इन्फिनिट सेट थ्योरी बन गई है ना, इन फ्यूचर वी विल गेट रेड ऑफ दैट, ठीक है. तो और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे डीट काइन था, वो ये कहता था कि कैंटर का मैथ इज ए सिकनेस टू मैथ, ठीक है, और एंड ही इज़ द करप्टर ऑफ यूथ, जिसने मैथमेटिक्स को करप्ट कर दिया, ठीक है. बट हिल्बर्ट ने थोड़ा सपोर्ट किया, ठीक है. और फिर आइडियाज़ करते करते फिर गर्डल पे आ गए, ठीक है. और वही प्रॉब्लम वही था. प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी होती है ना हमारे पास, वो नेचुरल नंबर की होती है, वो काउंटेबल, जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, 1, 2, 3 वाले, ठीक है. तो उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फिनिटी आती है वो रियल नंबर्स की आती है, ठीक है, या इरेशनल नंबर्स की आती है. रैशनल नंबर्स की इन्फिनिटी जो है ये वाली, ये इसका साइज उतना ही है जितना नेचुरल नंबर का, ये उसने प्रूव किया था, ये उसका आर्गुमेंट है, ठीक है. वो जर्मनी के अंदर जो शुरू में हमने देखा, तो तख्ती के ऊपर उसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है हाले के अंदर, उधर मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इस हवाले से. तो वो उसका यही आर्गुमेंट है
कि कैसे रैशनल नंबर्स को जो रेशो वाली फॉर्म्स हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हैं और वो इस इन्फिनिटी के इक्वली हो गई। जो उसका प्रॉब्लम ये था वो जिसमें स्टक हो गया, जिसको वो प्रूव नहीं कर पाया, डिसाइड नहीं कर पाया कि ये एक इन्फिनिटी है और एक रियल नंबर की इन्फिनिटी है, क्या इनके बीच में भी कोई इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, इसे कंटिन्यूम हाइपोथेसिस कहते हैं, इसमें वो स्टक रहा, ठीक है। कभी उसको लगता था कि एग्जिस्ट करती है, प्रूफ करता था, उसको लगता है मैंने सही प्रूफ कर लिया, और फिर कुछ अर्से बाद उसको लगता था कि ये प्रूफ सही नहीं है, तो फिर वो कहता था एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये बैक और फोर्थ ये चलता था। फिर गर्डल आया, गर्डल भी इसमें फंस गया, ठीक है। उसका फिर हल जो है वो पॉल कॉर्न ने एक डिफरेंट वे में बताया, तो उसने तो मैथमेटिक्स को ही एक बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे दी कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अंडर दिस कंडीशन ट्रू होंगी, अंडर दैट कंडीशन फॉल्स होंगी। तो वो जो ट्रू और फॉल्स है ना लॉजिक के हवाले से, वो भी यहाँ पे पहले आपको चूज़ करने से पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सेट थ्योरेटिक सिस्टम्स पहले चूज़ कर रहे हैं, वो बेस करता है इस कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो यस, अच्छा, इसमें फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्री दिखाई इसमें जूलिया का, जूलिया रॉबिन्सन, हाँ, जूलिया का जब जिक्र आता है तो उसमें वो वाइज फीमेल स्टूडेंट है अपनी क्लास में, फिर उसके बाद उनको इंस्पिरेशन भी नहीं मिलती, और उसमें ये वो लाइन कहती है कि मैथमेटिक्स के टीचर तो हर जगह पर है लेकिन मैथमेटिशियंस नहीं है। तो शायद हमारी सोसाइटी का भी यही मोर और लेस प्रॉब्लम है कि हमारे पास भी इर्द गिर्द इंस्पिरेशन में मैथमेटिशियंस नहीं है। डॉक्टर अब्दुल सलाम है मैथमेटिशियन टर्न फिजिसिस्ट, हमने उनको रिगार्ड नहीं किया, उनमें डिसओन कर दिया। तो ये थोड़ा सा है हमारी सोसाइटी, बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ना मैथमेटिक्स के एजुकेशन के, वो तो वर्ल्ड वाइड ही हैं, ठीक है। और वो हमारे यहाँ अब चूंकि हाँ वो ज़्यादा हैं क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों का, तो बट मैथमेटिक्स की एजुकेशन के हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है, एंग्जाइटी भी हमेशा रही है, मैथ एंग्जाइटी भी एक रही है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और दूसरी एक और बात, अभी लास्ट टाइम मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, तो मेरे कॉलीग थे तो उन्होंने कहा कि यार आप इसको पढ़ा दें, तो वो सिक्स ग्रेड में था, तो मैंने उसको पढ़ाया, तो ट्रायंगल्स वो पढ़ रहा था ना, तो ट्रायंगल्स के अंदर वो एंगल्स कैलकुलेट कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि व्हाई आर वी स्टडिंग ट्रायंगल्स ना, तो कहता है कि सर आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द एंगल्स, आई डोंट नो व्हाई वी आर रियली स्टडिंग ट्रायंगल्स ना। तो मैंने कहा यार ये देखो, आप जब ब्रिजेस में जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो एक स्ट्रक्चर उन्होंने जो बनाया रेक्टेंगल शेप में, उसके अंदर उन्होंने ट्रस बनाया होता है, ट्रसेस पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। तो मैंने कहा ये देखो ये क्यों बनाया उन्होंने, तो मैंने उसको कहा कि उसने मतलब वो जवाब नहीं दे सका, तो फिर मैंने उसको कहा कि उसी से पेन लिए और टेप से मैंने स्क्वायर बना दिया ना, तो मैंने कहा अब आप इसको ये दोनों साइडों को हिलाओ, जब आप ये पैरेलल साइड्स को आप हिलाओगे तो फोर्स अनबैलेंस है, तो वो ये जो इसके जॉइंट्स हैं ये हिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब आप ट्राइंगल पर इसी तरह की फोर्स लगाते हैं ट्राइंगल ब्लॉक है तो वो तो नहीं हिलता। मैंने कहा ये अब जो ट्रायंगल पढ़ने की वजह है वो यही है कि दुनिया में जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देखें जो ओपन स्ट्रक्चर्स हैं उसमें ट्रायंगल के ट्रसेस बनाए जाते हैं। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता है कि मैंने तो आज तक पता ही नहीं था मुझे कि ट्रायंगल्स का भी इस तरह का यूज़ हो सकता है कोई। हाँ तो ये एक मतलब मसले है ना कि रियल लाइफ एप्लीकेशन बतानी चाहिए बच्चों को, किस स्टेजेस पे बतानी चाहिए तब तब ही। जी मैं भी इसी की तरफ इशारा करना चाह रहा था कि असल में एजुकेशनिस्ट के साथ ज़्यादा मसला है। तो आप जैसे अगर एजुकेशनिस्ट हूँ जो उसका रियल मकसद बताएं, वरना मैथ एंग्जाइटी की ज़्यादा वजह यह है कि जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो सोल्यूशन भी निकाल रहे होते हैं, वो उसको कर भी रहे होते हैं, हमारे टीचर्स उनको डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि बस करो ये बंद करो इसको। इवन फिजिक्स में ये जो इंजीनियर्स बैठे हैं ये तो मतलब वो शट अप एंड कैलकुलेट वाला जो है, मतलब ये एटीट्यूड जो है ना, दो एक तो प्रैक्टिकली के ये प्रैक्टिकल चूंकि नहीं है तो बस शट अप एंड कैलकुलेट और बस उस पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप सोचना शुरू हो जाओगे तो फिर ये हम जो कुछ बना रहे हैं ये बना नहीं पाएंगे। तो एक तो प्रैग्मेटिक, यानी ये दोनों चीज़ें हैं, प्रैग्मेटिकली शुरू में बताना भी चाहिए लेकिन ये बाद में ये खुद हर्डल भी बन जाती है, तो एक स्टेज पे जाके फिर उसको भाई अब इसकी प्रैक्टिकल पे फिलहाल नहीं जाओ, क्योंकि जितना आप उसको डिस्टेंस होगे जितना एब्स्ट्रैक्शन में जाओगे
उतना ही आप पावरफुल चीज बनाओ। अच्छा, ये ऐसी है जैसे बच्चा हम जब चलना शुरू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती कि ये यू टर्न की क्या जरूरत है, इससे तो टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम दूसरी समत में क्यों जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम जो सेवन ब्रिजेस के हवाले से देखे ना जी, जी, जी। इसके साथ भी रिलेट किया जा सकता है और इससे पूरी एक आयलर ने ग्राफ थ्योरी बना ले, ठीक है ना। एक बड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिकल ही था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन एक पूरी एक नई ब्रांच वहाँ से बन गई। ग्राफ थ्योरी भी और टोपोलॉजी दोनों वहाँ से बन गए, ठीक है। तो इस हवाले से एक और चीज़ है, ओपनहाइमर मूवी मैंने अभी रिसेंटली देखी है, कम्प्लीटली देखी लेटली, पहले कुछ एक आध घंटे की देखी है। तो उसमें एक सीन मुझे बड़ा पसंद होता है जब ओपनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता है और नील्स बोर उससे मिलने जाता है, तो वो भी वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं ले रहा होता लैब के अंदर ना, तो उसको समझ नहीं आती कि है इंटेलिजेंट है जीनियस है लेकिन इसको प्रैक्टिकल में मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा देर नहीं ले सकता। तो वो उसको कहते हैं इसको गुटिंगन भेजो, वही गुटिंगन का जिक्र यहाँ पे हुआ भी। तो ये इसका शायद ये थ्योरी से इंस्पायर हो जाए। तो फिर वहाँ से वो जाता है मैक्स बॉर्न के पास और वे क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी है वो पहले डिवेलप करने के लिए, और उस वक्त वो यही कहता है कि आप म्यूज़िक जो मैथमेटिक्स का म्यूज़िक है जो इक्वेशंस है ना उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, अलजबरा के अंदर, ठीक है। तो अक्सर लोग नहीं इसको समझ पाते, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब नील बोर वाज इंटेलिजेंट, उसको पता था कि क्या प्रॉब्लम है, उसने उसको रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाओ गुटिंगन जाओ, वहाँ पहले आपका जब थ्योरी बनेगी आपकी वो आइडिया आपका सही कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लोगे फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वो देखो उसने उसके बाद बम बना दिया, ठीक है। और तो ये बड़ा वो वाले सीन तो मुझे बहुत पसंद है जिसमें उसको वो रिकमेंड करता है और उसके बाद वो गुटिंगन पे आ जाते हैं, क्योंकि इस हवाले से ना इस डॉक्यूमेंट्री में गुटिंगन का बहुत दफ़ा जिक्र हुआ है, क्योंकि हिल्बर्ट वहाँ पे था मैथमेटिक्स के हवाले से, और हिल्बर्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से भी काम किया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और जनरल रिलेटिविटी के हवाले से भी काम किया था। तो उस वक्त तो काइंड ऑफ मैथमेटिकल सेंटर था ना, मैथमेटिकल इसे कहते थे, गुटिंगन को कहा जाता था मैथमेटिकल मक्का ऑफ काइंड ऑफ मैथमेटिकल मक्का, कि अगर आपने मैथमेटिक्स सीखना है तो आप गुटिंगन जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो टॉप के मैथमेटिशियंस थे ना, और हिल्बर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त डिपार्टमेंट बना लिया था, और उससे पहले भी गाउस था, रीमन थे, ये पुराना एक ट्रेडिशन था उनका जो समहाउ नाजी पार्टी के आने के बाद जो है ना वो डिस्ट्रॉय भी हो गया। क्योंकि एक दफ़ा मैं एक किताब पढ़ा था सिमेट्री एंड द मॉन्स्टर के नाम से, वो एक मेरी फेवरेट किताब है, उसमें भी स्टोरीज में ना ये सारी बताई हुई हैं चीज़ें। तो स्टोरी ऑफ अलजेब्रा में मैंने उसका जिक्र भी किया हुआ किसी जगह पे, जो मेरा यहाँ पे लेक्चर हुआ था। तो उसमें मुझे याद है एक दफ़ा पढ़ा था कि 1933 में जब नाजी पार्टी कम्प्लीट वहाँ पर आ गई तो इन्होंने बहुत सारे ज्यूज़ और बहुत सारे इस तरह जो मैथमेटिशियंस थे उनको भगा दिया, बहुत सारे लोग चले गए, हिल्बर्ट नहीं गया। तो एक नाजी मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए गया और उससे पूछा कि आप बताओ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है गुटिंगन के अंदर, क्योंकि हमने सारे ज्यूज़ से जान छुड़ा ली है। तो हिल्बर्ट को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से और बहुत सारे इतने अरसे से उसने एक ज़बरदस्त डिपार्टमेंट बनाया था, इंस्टीट्यूट बनाया था। उसने कहा वो सब चले गए, अब मैथमेटिक्स भी इधर नहीं रहा, ठीक है, जो पहले होता था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था इस हवाले से। तो समटाइम्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस और डिक्टेटरशिप जो है वो बीच में आ जाती है, उनके अपनी मोटिवेशंस हैं, वॉर्स उन्होंने वेपन्स बनाने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल काम करना है। तो प्रैक्टिकल काम बाज़ दफ़ा जो आपका इंटेलेक्चुअल एक क्यूरियोसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमने इस डॉक्यूमेंट्री वो है ना जो एक साथ में जो इसका नाम भूल गया, वो जो न्यूक्लियर फील्ड में चला जाता, न्यूक्लियर के अगेंस्ट चला जाता है, वो इफेक्ट होता है। ग्रॉथनडीक वो यही कहता है एट द एंड, यही कहता है अलेक्जेंडर ग्रॉथनडीक, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, उसको भी आई थिंक फील्ड मेडल मिला था। तो वो भी यही कहता है कि अब जिस स्टेज पे अभी रह रहे हैं अगर हम मैथमेटिक्स ही करते रहे तो फिर ये भी सही नहीं है, अब हमें रेजिस्ट करना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट होते हैं मैथमेटिक्स मैथमेटिशियंस के ऊपर, डिफरेंट वे में इम्पैक्ट होते हैं, उनके काम का भी इम्पैक्ट होता है दुनिया के ऊपर भी।
तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. जिन सोसाइटीज़ में, जिन जगहों में इस चीज़ की रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहीं से आइडियाज़ भी आ रहे हैं. जर्मनी, फ्रांस में जब तक ये एक अच्छा एनवायरनमेंट था, अभी है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा था. इसलिए मॉडर्न मैथमेटिक्स जो यूनिवर्सिटीज़ में हमें अब पढ़ाते हैं, वो ज़्यादातर वहीं से आ रहा है. वो उसी एज का ही है जो हमारे पास चल रहा है. उससे पहले ग्रीक्स का बहुत ज़्यादा काम है. तो इस हवाले से ये स्टोरी ऑफ मैथ जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. पूरी सीरीज ही इंटरेस्टिंग है. बाकी अगला सवाल मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में हम, डज मैथ रिवील रियलिटी, मैथमेटिक्स इन्वेंट होता है या डिस्कवर होता है, इस पे हम एक अच्छी डिबेट कर सकते हैं सर के साथ. और एंड में इस पे करता हूँ कि जो लोग जो फॉर्मलिस्ट हैं, हिलबर्ट वाले हैं, वो काइंड ऑफ फॉर्मलिस्ट होते हैं. जो प्लेटो वाले हैं, काइंड ऑफ माय टाइप, ठीक है, या गर्डल वाले टाइप के, वो प्लेटोनिस्ट होते हैं. तो ड्यूरिंग द वीक, जब 5 days वर्किंग डेज में उनको लगता है कि वो प्लेटोनिस्ट हैं और वो मैथमेटिक्स डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट नहीं कर रहे. क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, यू गॉट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यू आर डिस्कवरिंग समथिंग. और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है. अदरवाइज मैथमेटिक्स इज़ ए वेरी बोरिंग एक्टिविटी. अगर ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ना हो, क्यूरियोसिटी ना हो, ठीक है, तो ड्यूरिंग वर्किंग डेज उनको लगता है कि दे आर डिस्कवरिंग समथिंग. लेकिन जब वीकेंड पे, जैसे कि आज हम इस पे बहस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज कर देते हैं. उनके नहीं नहीं वो तो मैं वैसे प्रिटेंड कर रहा था, आई एम स्टिल डुअल नेचर, ठीक है, ठीक है. तो वर्किंग डेज में, वर्किंग मैथमेटिशियन वर्किंग डेज में प्लेटोनिस्ट होते हैं, लेकिन वीकेंड पे वो फॉर्मुलिस्ट बन जाते हैं. थैंक यू फॉर कमिंग.